वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 36। आज का जो टॉपिक है वो पूरा क्वालिटी स्कोर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए एक बार, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ देख लीजिए, क्योंकि क्वालिटी स्कोर ये और गूगल एड्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल में आपको कितना बड़ा ऑडियंस है गूगल का आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, तो आपको इस गूगल एड्स टूल में एक्सपर्ट बनना है तो आपको लास्ट की वीडियो देख लीजिए, पूरा बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक पे ऊपर बात करते हैं क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर गूगल ने एक ऐसा स्कोर निकाला है जो आपके एक अकाउंट का हो सकता है, आपके एक जब आप सर्च नेटवर्क कैंपेन करते हो वहां पर आपको एक स्कोर देता है, तो 1 out of 10 ये स्कोर जो रहता है ना, ये रहता है 1 out of 10। हर एक कीवर्ड को ये स्कोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हर एक वेबसाइट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, हर एक वेबसाइट का अलग, हर एक कैंपेन अलग अलग कीवर्ड्स पे ऐड होता है, तो एक क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। और जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा आपका, मींस जैसे मैंने बोला था क्यूएस इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा, हो सकता है आपका 10 out of 10 हो सकता है आपका 9 हो, जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उतना कम कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा गूगल को। यस, यू हैड इट राइट, जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर उतना कम पैसा गूगल को पे करना होता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर मुझे कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए गूगल एड्स से, तो क्या करो, सीधा सीधा गूगल एड्स पे क्वालिटी स्कोर के ऊपर काम करो। तो सर क्वालिटी स्कोर फिर हम किसके हाथ में होता है? ये बिल्कुल आपके हाथ में है। क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने के लिए आपको तीन चीजों पर ज्यादा काम करना जरूरी है। सबसे पहला आपका लैंडिंग पेज, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका जो कस्टमर है वहां पे जाने वाला है, क्लिक करने के बाद वहां पे जाने वाला, तो लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस कैसा है, वो लैंडिंग पेज पे रिलीवेंट कंटेंट है या नहीं है, रिलीवेंसी बहुत गूगल चेक करता है, रिलीवेंट कंटेंट वहां पे है या नहीं वगैरह वगैरह सब कुछ, प्लस वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, क्योंकि कस्टमर आ रहा है और उसको बहुत खराब एक्सपीरियंस मिल रहा है तो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, और मोस्टली लास्ट स्पीड उस पेज का स्पीड है या नहीं, क्योंकि ये तीन चीजें नहीं होगी तो गूगल एड्स पे कैंपेन रन भी मत करिए, क्योंकि लैंडिंग पेज है बहुत बिग रोल प्ले करता है गूगल एड्स के अंदर। आपको रिलेवेंट कंटेंट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और स्पीड, ये तीन चीजें लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में चाहिए, बाकी कॉल टू एक्शन बटन वगैरह वगैरह उतना ज्यादा फोकस नहीं होता, जैसे नंबर्स, कॉल टू एक्शन बटन वगैरह वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज में आपने क्या डालना है, लेकिन उस पर क्वालिटी स्कोर का कोई लेना देना है, लेकिन वो क्वालिटी स्कोर चेक करता है तो रिलेवेंट कंटेंट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड स्पीड के ऊपर। सेकेंड एड रिलीवेंसी, या फिर आप बोल सकते हो कीवर्ड रिलीवेंसी इन एड कॉपी, मींस क्या, इसका मतलब क्या होता है, मींस आप जो एड चला रहे हो वो मैच होना चाहिए आपके कीवर्ड से। फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड गूगल को दे रहे हो, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे एड चलाना है, तो गूगल को आपने कीवर्ड दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन आपके एड में किधर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिख ही नहीं रहा, तो लोग उसको क्लिक नहीं करेंगे, यस और नो, क्योंकि आप कीवर्ड दिया आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और आपके एड में भी वो कीवर्ड दिखना चाहिए, मींस वो कीवर्ड आपके एड में नहीं दिखता होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, सीटीआर डाउन होगा। सीटीआर का मतलब क्लिक थ्रू रेट, मींस क्लिक करने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं शूज का दुकान ढूंढने और मुझे शूज का दुकान तो अंदर दिख रहा है शूज का, लेकिन बाहर बोर्ड लगा है कुछ अलग ही, तो मैं बोर्ड देख के अंदर जाने वाला हूँ, तो बोर्ड में तो शूज दिखाई नहीं, भले वो अंदर शूज है लेकिन बोर्ड के ऊपर शूज दिख नहीं रहा, तो अंदर में जाऊंगा नहीं ना। वैसे ही आप लैंडिंग पेज में कस्टमर कब जाएगा, जब आपने जो पैसे लगाए हैं उस कीवर्ड पे वो आपके एड में भी दिख रहा है, तो वो रिलीवेंसी आएंगी, रिलीवेंसी आएंगी तो आपका सीटीआर बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट। मींस सपोज मैंने बोर्ड में जा रहा हूँ शूज लेने और शूज का बोर्ड दिख रहा है और मैं शूज का बोर्ड देखने के बाद शूज की दुकान में जा रहा हूँ ना, तो अच्छी बात है, गूगल को भी पैसा मिल जाता है और आपको भी अच्छा कस्टमर मिल जाता है। कीवर्ड रिलीवेंसी इन एड कॉपी बहुत जरूरी है, आपको कीवर्ड्स डालने ही होंगे। एंड देन थर्ड, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट सीटीआर भी बोल सकते हो उसको आप, मींस लास्ट जब से आपने वो कैंपेन रन किया है तब से सीटीआर कितना था। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, क्या मतलब इसका, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने बताया इसके बारे में, क्लिक थ्रू रेट मींस आपके एड में लोग क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं, उसका पास्ट में कितना उसमें क्लिक्स मिले हैं वो भी वो चेक करता है। सर अभी तो आप बोलोगे सर मेरा तो नया अकाउंट है उसमें कैसे पता चलेगा, नए अकाउंट में कोई टेंशन नहीं है, जब आपका अकाउंट पुराना होते रहता है तो मेक श्योर दैट नए अकाउंट से ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए,
ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना कि पहले स्टार्टिंग से ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपका लैंडिंग पेज अच्छा रहेगा, आपका रिलीवेंस अच्छा रहेगा, आपका सीटीआर भी डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा। आज से भी कैंपेन आप रन कर रहे हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट भी आपके क्या होंगे, कैंपेन सही ही बनेंगे। सो ऑब्वियसली सीटीआर बहुत जरूरी है। अभी आपको समझ, आपको आप बोलोगे सर ठीक है ये तो ये करने से मेरा क्वालिटी स्कोर बढ़ जाएगा, लेकिन ये कॉस्ट में कैसे इंपैक्ट करेगा, क्वालिटी स्कोर मेरे कॉस्ट पे कैसे इंपैक्ट करेगा, ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। उसमें मैं बताने वाला हूँ हाउ गूगल एड्स वर्क, कि कैसे क्वालिटी स्कोर बढ़ने से आपको कॉस्ट कम लगता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना यार, दबा दीजिए ना, दिख रहा है ना, दबा दीजिए, क्योंकि इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो, इतना एनर्जी में हम दे रहे हैं लोगों को, तो डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा ही होगा। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।